हमारी ये है जो रथ यात्रा 12 अक्टूबर से जन्मभूमि से शुरुआत की है। अब ये यात्रा कृष्ण जन्मभूमि से शुरू हो करके पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चलेगी और 75 जिलों में जब घूमने के बाद जब हम समापन करेंगे तो भगवान राम के जहाँ जन्मभूमि है अयोध्या, वहाँ पर समापन होगा। फिर से हमारे कार्यकर्ताओं से है प्रेस के अंदर कोई नहीं आएगा, अगर प्रेस के अंदर आया कोई प्रेस के अंदर आ गया तो ठीक बात, सब पीछे बैठ जाएंगे जा सकते, जब हम माइक से बोल रहे हैं तो सुन लें। और अयोध्या में हम समापन करेंगे। चुनाव में गठबंधन को लेकर के क्या स्थिति रहेगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो गठबंधन के लिए आप किसी गठबंधन करेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, क्या रहेगी भूमिका? देखिए, हमने शुरू से कहा है समान विचारधारा वाली पार्टियाँ, सेकुलर पार्टी, और मैंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, और आज भी हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। समाजवादी पार्टी के साथ अलग रथ निकलने का मतलब माना जाए कि कहीं ना कहीं अब वो रास्ता नहीं जा रहे होंगे, तो देखिए अभी तो अलग अलग पार्टियां हैं, तो अलग अलग पार्टियां अगर अलायंस भी होगा तो फिर तो वो तो प्रचार अलग अलग भी होते हैं, कोई गुंजाइश है संभावना क्या देखिए राजनीति में संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती, और संभावनाएं तो संभावनाओं का तो सब कुछ चलता ही है। प्रधानमंत्री और अभी तो बहुत समय है, अभी तो चुनाव के 5 महीना है, और अभी मुद्दा नहीं है। देखिए विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं, इस सरकार ने इतने मुद्दे दिए हैं, पहले तो महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और इस सरकार ने ऐसे